दुल्हन का रूप सुहाना तुझे मुबारक हो, पिया के देश को जाना तुझे मुबारक हो। गई अब तो पेला विदा की सखी, करके श्रृंगार जल्दी सजा दे मुझे, मेरे सजने में कोई कमी न रहे, ऐसी दुल्हन नवेली बना दे मुझे। हे सखी कोई मई के सदा न रहा, और भगवान न करे कोई मई के सदा रहे। हे सखी कोई मई के सदा न रहा, हर सुहागन को ससुराल जाना पड़ा। अब तो रोना सखी तेरा बेकार है, हंस के डोली में जल्दी बिठा दे मुझे। छूटे माता पिता छूटे भाई बहन, छूटे माता पिता छूटे भाई बहन, छूटी बचपन की सखियां मेरी है सखी। अब तो साजन की गलियों में होगा गुजर, धोने वाली चुनरिया ओढ़ा दे मुझे। ये कांच की चूड़ियों की क्या वैल्यू है, ये सब सारी सुहागन जानती हैं कि कांच की चूड़ियों की क्या वैल्यू है। तो ये एक स्टोरी है मैडम की, ये कांच की चूड़ियां। एक गरीब परिवार होता है, वो अपने पति को कहती है मुझे सोने की कंगन ला दो। वो कहता है हमारे घर की ये मजबूरियां हैं। लेकिन फिर इसी से धीरे धीरे कांच की चूड़ियों की वैल्यू जो है, बाकी हम भारतवर्ष में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले उन्हें पता है कि कांच की चूड़ियां क्या है। तो चूड़ी वाली आई मेरे गांव में, आके बैठी मेरे घर के छांव में, आ गई उस जगह और भी लड़कियां। चूड़ी वाली ये बोली कि लो चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां। कांच की चूड़ियां भी अजब चीज है, किस जुबान से कहूं ये अजब चीज है। कांच की चूड़ियां भी अजब चीज है, किस जुबान से कहूं ये अजब चीज है। कांच की चूड़ियां भी अजब चीज है, किस जुबान से कहूँ ये अजब चीज है। देखने में तो शीशे की लगती है ये, कितनी माँ के हाथों में सजती है ये।
कांच की चूड़ियां देखिए दूर से, इसका रिश्ता है माथे की सिंदूर से। कांच की चूड़ियां दिल का अरमान है, कांच की चूड़ियां दिल का अरमान है, दोस्त तो ये सुहागन की पहचान है। कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की। कहानी की शुरुआत होती है। था किसी गांव में एक गरीब आदमी, यानी बेबस और बदनसीब आदमी। आज तनख्वाह के उसके पहला दिन था, घर में चारों तरफ खुशियों का बीन था। बोली शौहर से बीवी बड़े प्यार से, अपनी शादी को कितने बरस हो गए। कान में कचकड़े की भी जेवर नहीं, जिस्म पर मेरे कोई भी तेवर नहीं। जैसे पहनी है उषा और नीलू की माँ, वैसी सोने की कंगन तुला दे मिया। कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से, कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से, हाथ में मेरे जचती नहीं अब है ये। कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की। कि मुझे एक सोने की कंगन ला दो, तो शौहर ने क्या जवाब दिया उसका? बोला शौहर कि सुन मेरी प्यारी लता, अपने घर की तो सब बात तुझको पता। मुझको मिलता है तनख्वाह में बस 250, उसमें खर्चा है देखो तो इफ़राद नो। उसके शौहर ने कहा कि मुझे तनख्वाह में बस 250 मिलता है, उसमें खर्च भी तो इफ़राद नो है, तरह तरह के। तो क्या क्या खर्चे बताए उसने? अपने घर का किराया भी तो 30 है, उसमें बच्चों के स्कूल की फीस है। माँ महीनों से मेरी तो बीमार है, बूढ़े बाबा का चलना भी दुश्वार है। कैसे बतलाऊं मैं घर की उलझन तुम्हें, कैसे ला दूं मैं सोने की कंगन तुम्हें। तो जब इतना कहना था तो पत्नी ने क्या किया?
बात शौहर की सुनकर दुल्हन रो पड़ी, बहती सीने से लग करके कहने लगी। बात शौहर की सुनकर दुल्हन रो पड़ी और बहसी सीने से लग करके कहने लगी। क्या कहने लगी? तू सलामत रहे, मुझे गम नहीं, मेरे सर ताज सोने से कुछ कम नहीं। कांच की चूड़ियां, कांच की For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and next contestant आज Hi sir. Sir. Hi. Namaste sir. Namaste. आपके नाम क्या? सर मेरा नाम ज्ञानी देव है। अरे वाह, कहाँ से हो आप सर? जी सर, हम यूपी के रहने वाले हैं, छोटे से गांव से। आप क्या करते हैं? सर अब आपको काम के बारे में क्या बताऊं सर? सर सर हम बहुत ही खराब काम करते हैं सर। सर हम अपने गांव में सर काम करते थे सर, लेकिन सर हमें कोई काम नहीं देता सर। सर क्योंकि हम नीच जाति से सर, इसलिए हमें कोई काम नहीं देता सर। इसलिए सर हम ईटा उठा उठा के सर गोनी में भर के सर दूसरे दरवाजे सर पहुंचाते हैं सर। बहुत मेहनत लगता है सर ये सब काम करने में, और सब पूरा दिन काम करने में सर मुझे 50 रुपये मिलता है सर। उससे हमारा घर नहीं चल पाता है, इसलिए सर हम रातों दिन सर वही काम करते हैं। हम सर सो भी नहीं पाते हैं, हम 1 घंटा मुश्किल से सो पाते हैं सर। और सर हम जितना कमा पाते हैं सर उससे ज़्यादा तो हमारा खर्चा ही हो जाता है सर। पर क्या करेंगे सर, ऊपर वाला जितना देता है उतने में खुश रहना पड़ता है सर। सर मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, पर क्या करूँ सर, घर की जिम्मेदारियों के कारण मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाता हूँ। तभी सर मैंने सोचा कि एक बार इंडियन आइडल में जाके कोशिश करता हूँ। तो मैंने पूरी दिनों रात सर काम किया और घर पे किसी को भी नहीं बताया, हमें भी नहीं बताया सर इंडियन आइडल में आ गया ऑडिशन देने के लिए। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया ज़रूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। आपका जो सपना है अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना, और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले? मैम आज मैं बहुत ही दर्द भरा प्यारा गीत सुनाने वाला हूँ। मैम आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ ये मैंने अपने हाथों से लिखा है, और ये कहानी में मैं आपको ये गाना बताऊंगा कि जब दो लड़का लड़की प्यार करते हैं, जब लड़की धोखा दे देती है तो लड़के के दिल में क्या ठेस पहुँचती है। मैं उसी के ऊपर आज बहुत ही प्यारा और दर्द भरा गीत मैं लिखा हूँ, वही सुनाऊंगा। तोड़ कर मेरे घर को अपना घर बसा रहे हैं, तोड़ कर मेरे घर को अपना घर बसा रहे हैं, तोड़ कर मेरे ख्वाबों को अपने ख्वाब सजा रहे हैं। कैसे बेदर्दी से दिल लगा बैठे यारो हम, कैसे बेदर्दी से
दिल लगा बैठे यारो हम, मेरी बर्बादी पर जो मुस्कुरा रहे हैं। जा रही है वो करी वो किसी यार के सपने सजा रही है। हाथों पे मेरे खून की मेहंदी लगा रही है, हाथों पे मेरे खून की मेहंदी लगा रही है। वो करी वो किसी यार के सपने सजा रही है, वो किसी और के सपने सजा रही है। हाथों पे मेरे खून की मेहंदी लगा रही है, हाथों पे मेरे खून की मेहंदी लगा रही है। अर्जुन लव पे मेरे खून की मेहंदी लगा रही है, हाथों पे मेरे खून की मेहंदी लगा रही है। यूं दफन मैंने गिलाल जोड़ा वो ओढूंगा मैं कफन। अर्जुन लव चाहत को मेरी कह दिया उसने तो यूं दफन मैंने गिलाल जोड़ा वो ओढूंगा मैं कफन। देखो तो कैसे दिन तो कैसे दिन मेरी चाहत दिखा रही है, देखो तो कैसे दिन मेरी चाहत दिखा रही है। हाथों पे मेरे खून की मेहंदी लगा रही है, हाथों पे मेरे खून की मेहंदी लगा रही है। कौन सी गलियों में क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देगी। वेरी गुड। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है। मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं
ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। नमस्ते मैम। नमस्ते, क्या नाम है? मैम मेरा नाम तो सभी लोग पागल कह के बुलाते हैं, तो आप भी मुझे मैम किसी भी नाम से बुला सकते हैं। अच्छा, आप क्या कर सर? मैं अब आपको काम के बारे में क्या बताऊं सर? सर हम बहुत ही मेहनत वाला काम करते हैं सर। सर मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई है सर, और सर मेरे घर में एक मेरी बूढ़ी माँ है सर। सर ये बात है कुछ 2 साल पहले की सर। सब कुछ सर ठीक हम लोग घर में हो रहा था सर, लेकिन एक दिन मेरे पापा को सर कैंसर हो गया सर। और फिर उसके इलाज के लिए जब हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेरे पापा के इलाज के लिए सर 12 लाख रुपए की मांग की, और हमारे तो गरीब आदमी थे सर, हमारे पास 12 लाख सर कहाँ से आएंगे। तो हमने अपने गांव का घर सर गिरवी पे रख दिया सर। और सर जब हमारे पापा का इलाज हो जाने पर सर, हम जब घर में रहते थे सर तो गिरवी मालिक आके हमसे पैसा मांगते थे सर, पर हम जब पैसा नहीं दे पाए सर तो उसने हमसे घर में सर रहने नहीं दिया, हमें रोड पे आ गए सर, हमारा घर भी हमसे छीन लिया गया सर, और हम रोड पे सर भीख मांगते थे सर। और सर मैं आपको एक बात बताऊँ, जो हम कपड़ा पहन के आए हैं सर, ये भी हम भाड़े का कपड़ा पहन के आए सर। और सर हम सर ना ही दिन में सर खाना खाते थे, ना ही रात में सर। हमारे पास जब खाना नहीं होता था सर तो हम कभी कभी सर पानी पीकर ही सो जाते थे सर। इसीलिए सर मैंने सोचा कि इंडियन आइडल में जाऊंगा सर, अपना किस्मत आजमाऊंगा और सब मैं अच्छा गाना गाऊंगा सर कि सबका दिल खुश हो जाएगा सर। तैयार हो? जी सर जी। ठीक है, चलिए। मैं दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको अच्छा गवा दिया, अच्छा गा लिया। रख ला सारी उमरी
छन छछ मेरा छन छन छछ नीला भीतरे परनामा सुगनिया तोहरो उड़ी चल ली हो तोहरी बगिया के रहानी सुगनिया सुगनिया तोहरो मैं अभी भी उसी में डूबी हुई हूँ. आपने जो गाया ना, आई एम स्टिल उस वो डेप्थ में मैं चली गई हूँ. बहुत ही खूबसूरत. साइली, आपने ट्रेन किया है मैम? एक्चुअली जब मैं गई थी इससे मिलने, जब भी ट्रेन करने के लिए, इसने मुझे ये गाना सुनाया. उस दिन मैंने उसको कुछ लाइक डिक्शन, बाकी मुझे तो सब परफेक्ट ही लग रहा था जो वो गा रही थी. धूल क्या, तो मैंने वो धूल को धूल बस वो चीजें बताई थी. और वो भी उसने ये राउंड में तो एकदम मस्त गाई. और स्पेशली जो अंत है ना उसने आज, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं खो गई हूँ. इतना मन से, इतना अच्छे से ये डिलीवर किया उसने. पता नहीं क्यों मुझे ये लड़की बहुत पसंद है. थैंक यू. बहुत खूबसूरत. ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है? नमस्कार जी. नमस्कार सर. नमस्कार मैम. नाम है आपका? मैम वैसे तो मेरा नाम ज्ञानी रील है, लेकिन आप मुझे कुछ भी बुला सकते हो. और मैं यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ. खूबसूरत जगह जहाँ बर्फ पड़ती है, जन्नत से आए हैं आप तो. जी मैम बिल्कुल. कोई आया है मैम? मैम मेरे खुद के आने के लिए यहाँ पे पैसे नहीं थे. मैं अपने पड़ोसी से उधार लेके भाड़े का कपड़ा पहन के मैं यहाँ पे इंडियन आइडल में आया हूँ. बहुत ही तकलीफ करके आया इंडियन आइडल. पिताजी, पिताजी क्या करते? सर मैं इससे पहले भी शो में आया था, तो मैं आपको बताया था कि मेरी मम्मी चक्की चलाती है और मेरे पापा को कैंसर हो गया है. वो काम नहीं कर पाते, उनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए मैं इंडियन आइडल में आया हूँ अपना किस्मत को आजमाने के लिए सर. इसलिए सर क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, किसी तरह हमने पापा का इलाज कराया, लेकिन अभी उनकी दवाइयों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है सर. और गाना कहाँ से सीखा, कब सीखा आप? सर हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो गाना कहाँ से सीखेंगे सर. एक बार मैंने अपने दोस्त से उधारी पैसे मांगे गाने सीखने के लिए सर, लेकिन जब भी हम गाना सीखने जाते सर, हमें कोई भी गाना नहीं सिखाता सर. सब लात मार के नहीं भगा देते सर, हमें कोई भी गाना नहीं सिखाता सर. और हमारे पास सर पैसे भी नहीं होते सर. क्यों क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? क्योंकि सर सभी लोग बोलते थे कि तुम सबसे नीच जाति से हो. जाति धर्म के नाम पर आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों को उपेक्षित किया जाता है, जो कि हमारे इस विकसित समाज का एक कड़वा सच है. और इंडियन आइडल ऐसी मानसिकता का विरोध करता है. से घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता. सर हम जब बचपन में गाना गाया करते थे, तो हमारे आवाज से सब लोग डर जाते थे. मुझे पागल बोलते थे सर, बोलते तुम्हारा आवाज बेसुरा है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे सर. हमें सब पागल पागल बोलते थे सर. और सर हमें ना ही कोई खाने के लिए खाना देता था सर, और ना ही सर सोने के लिए सर कोई घर देता था सर. सर मैं आपको बताऊं कि मैं हमारा हम लोग का काम ही गाना बजाना था सर, इसलिए हम बचपन से ही गाना बजाते थे सर. काम गाना बजाने? हाँ. क्या करते हैं आप? सर बचपन से हम गाना बजाया करते थे. हमारा गाना सुन के कोई हमें पैसे की मदद कर दिया, और उसी से हम इंडियन आइडल में आ गए गाना सुनाने के लिए. स्थितियों से गुजर के आप आ रहे हो स्टेज तक, यही बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ तक पहुँच पाए. हाँ सर. क्या गा रहे हो आज? सर आज हम गाना सुनाएंगे कि सभी लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं और एक दिन उसे मरना ही है, तो आज उसी पर हम गाना सुनाएंगे. बहुत अच्छे से गाओ. Oh,
अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां पर जहां पानी कम था। जहां से भी ज्यादा चाहा था जिसको, उसने ही धोखा दिया। चाहत को रुसवा किया, चाहत को रुसवा किया। बनाता के उसी ने उजाड़ा मेरा आशिया। हाय सर। हाय। बाहर भीड़ बहुत थी ना? जी सर, बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी सर। अच्छा। मैं सुबह को आया था और अभी शाम हो चुका है सर। अच्छा अच्छा, कहाँ से आप सारी? सर हम पाली राजस्थान से आए हैं, बहुत ही दूर से आए हैं। वाह वाह। अच्छा आपका नाम क्या है? बेटा नाम बता तेरा। जी पापा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देव ज्ञानी देव है सर। आप बताइए आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, फैमिली बैकग्राउंड हमें सब बताइए, जानना है। सर अब मैं काम के बारे में क्या बताऊं सर, ये जो आप मटकी देख रहे हो मेरे लड़के के हाथ में, मैं मटकी बेचने का काम करता हूं सर। और सर मटकी 50 रुपए में बेचने की कोशिश करता हूं लेकिन नहीं बिकती है सर, सिर्फ 40 रुपए में बिकती है सर। मैं इतनी मटकी बेचता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, दूर दूर से मटकी लेके आता हूँ, बेचता हूँ, लेकिन सर ऐसा नहीं छूटता है सर, कमाई नहीं रहती है।
और सर घर के अंदर दो बेटियां हैं सर, अब मैं क्या बताऊं सर, दो बेटियां जवान हो चुकी है सर, और ये मेरे बेटा ये भी आप देख रहे हो ये भी जवान हो चुका है, इन तीनों की शादी करनी है सर, और सर मैं क्या बताऊं सर, हमारे समाज में ऐसा है कि सर जब बेटियां जवान हो जाती है ना तो सर मोहल्ले वाले और समाज वाले ताना मारने लगते हैं सर, कि इतनी बड़ी बड़ी बेटियों को घर पे लेके बैठा है, कुछ शादी नहीं करता है, कहीं रिश्ता नहीं जोड़ता है, अब मैं क्या बताऊं सर, मेरा धंधा ही ऐसा है सर, मेरे पास पैसा नहीं है सर, बेटे की शादी कैसे करूं सर, कोई किसी की मदद नहीं करता है सर, मैं मेरे परिवार वालों से पैसे मांगता हूं, वो भी मुझे नहीं देते हैं, और मोहल्ले वालों से मांगता हूं, वो भी नहीं देते हैं, अब मेरे पास कौन सा रास्ता है, अगर मैं ब्याज पे पैसा लेके आऊंगा तो सर मेरा घर कैसे चलाऊंगा, कैसे ब्याज भरूंगा सर, अब मैं बेटियों को शादी करूं तो भी कैसे करूं सर, बहुत ही परेशान हूं सर, इसलिए सर मुझे एक भाई ने बोला था कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा गाता है, एक बार इंडियन आइडल लेके जाओ, क्या पता तुम्हारा तकदीर चेंज हो सकता है, इसीलिए सर मैं आज इंडियन आइडल में आया हूँ, और मैंने देखा था सर मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, मेरे को विश्वास है सर कि मेरा बेटा यहाँ से जीत के जाएगा, बेटा कुछ बोलना चाहता है? जी पापा, मैं भी कुछ बोल बेटा बोलना चाहता हूँ सर, हम बहुत गरीब हैं सर, मेरे पापा मटकी बनाने का काम करते हैं, लेकिन सर मेरे पापा ने कभी भी सुकून की नींद नहीं ली है सर, मैं जब रात को उठकर देखता था तो सही बोल रहा है मेरा बेटा, रोते थे सर, मेरे पापा इतने रोते थे, और मुझे पता है सर आज मेरी आंखें भर आई है, क्यों रोते हैं, मेरे घर के अंदर दो बेटियां हैं सर, वो जवान हो चुकी है, और सर मोहल्ले वाले समाज वाले ताना मारते हैं सर, और मेरे पापा कहाँ से पैसे लाएंगे, कैसे शादी करेंगे, जिसमें सब सोचते रहते हैं और रात को खूब रोते हैं, हमारे सामने नहीं रोते हैं सर, मैंने रात को उठकर देखा था मेरे पापा बहुत रोते हैं सर, और तो सर मेरे पापा ने कभी भी हरी सब्जी से रोटी नहीं खाई है सर, हमेशा मेरे पापा प्याज और नमकीन भुजिया से रोटी खाते हैं, कभी भी इन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया है सर, अच्छा कपड़ा नहीं पहना है कभी भी, क्योंकि सर इनके ऊपर बहुत सारा बोझ है ना सर, जिसलिए सर सही बोल रहा है मेरा बेटा, जिसलिए सर मैंने सोचा कि मैं एक बार इंडियन आइडल मेरे पापा को जरूर लेके चलूं, इसलिए सर मेरे पापा को इंडियन आइडल में लेके आ रहा हूँ सर, मेरा सपना है सर मैं भी वायरल होना चाहता हूँ, एक अच्छा गाना गाना चाहता हूँ, सुपरस्टार सिंगर बनना चाहता हूँ, मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, दिन और रात मटकी बेचते हैं, लेकिन कुछ भी पैसा नहीं बचता है सर, सही बोल रहा है मेरा बेटा, मैं भी मेरे पापा को देखता हूँ मैं भी खूब रोता हूँ सर, समझ में ये नहीं आता है कि कब अच्छे दिन आएंगे, कब हम खुशियां मनाएंगे, कभी नहीं सोचा है सर, आज मेरी आंखें भर आई है, मैं आपको निवेदन करता हूँ कि मुझे एक गाना गाने दीजिए सर। देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा, और एक
सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। मैं इतना ही कहूंगी कि विनीत, मैं नॉट एज दोस्त बट राइट नाउ एज जज आपको बहुत बड़ा हाँ देती हूँ। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है विनीत, और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है विनीत। Everybody saying विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ सर। I'm